फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए है। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाउट होता है कि ऑल इंडिया कोटा में अगर एम्स, जिपमर, BHU, AMU या दिल्ली के टॉप कॉलेजेस मिले तो ठीक है, वरना फिर ऑल इंडिया कोटा का मतलब क्या है। लेकिन अगर आपकी ये सोच है तो फिर गलत है, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में ऐसे टॉप कॉलेजेस होते हैं, अगर आपको मिल गए तो आपकी लाइफ सुधर सकती है, क्योंकि बहुत ही प्यारे कॉलेजेस होते हैं और वो स्टेट के कॉलेजेस होते हैं। तो इन कॉलेजेस की प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा होती है। इवन अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं, एम्स की पहले प्रेफरेंस होती है, ऐसा नहीं है। एम्स के साथ साथ इन कॉलेजेस की प्रेफरेंस पहले होती है। एम्स न्यू दिल्ली को छोड़ दिया जाए, जिपमर को छोड़ दिया जाए, तो उसके बाद ये सारे कॉलेजेस आने शुरू हो जाते हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि ऑल इंडिया कोटा में आसानी से कॉलेज मिल जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। मीन्स कम से कम आपको 640-650 रेंज रखना पड़ सकता है, कम से कम कॉलेजेस के लिए, इन कॉलेजेस के लिए। तो कौन कौन से कॉलेजेस हैं और क्यों प्रेफर करेंगे आप, ये इस वीडियो में मैंने बताया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप इसको देखें तो लाइक और शेयर जरूर करें, और फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी कहीं पर भी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कैंडिडेट्स ये सोचते हैं कि ऑल इंडिया कोटा में उनको एम्स मिल जाए, कुछ सोचते हैं जिपमर मिल जाए, कुछ सोचते हैं कि उनको BHU मिल जाए, कुछ सोचते हैं AMU मिल जाए, कुछ सोचते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस मिल जाएं, मे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ सोचते हैं कि टॉप कॉलेजेस मिल जाएं। ये सोचते हैं कि ये सारे कॉलेजेस अगर हमको मिल गए तब तो ठीक है, मीन्स ये कॉलेजेस मिल गए तब तो ठीक है, वरना फिर AIQ में जाने का फ़ायदा क्या हुआ। मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स ये सोचते हैं, मतलब यही मान के आते हैं कि भैया ये सारे कॉलेजेस को किसी तरह से लेना है। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको कि इसके अलावा आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं। मीन्स ऐसे कॉलेजेस मिलते हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, इतने प्यारे कॉलेजेस होते हैं। मीन्स जैसे कि कुछ ऑप्शंस मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, और इनकी फीलिंग भी इन्हीं के साथ में स्टार्ट होती है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो इनको प्रेफर करते हैं, तो मैं ऐसे टॉप कॉलेजेस के बारे में आपको बता दे रहा हूँ जो कि ऑल इंडिया कोटा में आपकी प्रेफरेंस पे होने चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं है कि ये सारे कॉलेजेस आपको नहीं मिले तो फिर आपकी लाइफ ख़राब है, ऐसा नहीं है। देखिए, आपका पहला कॉलेज आता है GMC चंडीगढ़, बहुत ही प्यारा कॉलेज है, और इसकी जो AIQ में जो इसकी डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। नंबर सेकेंड में बता दे रहा हूँ, इसके अलावा BGMC अहमदाबाद है, BGMC अहमदाबाद, अहमदाबाद बहुत ही प्यारा कॉलेज है और इसमें इंटरनल PG भी होता है। थर्ड, KGMC लखनऊ, बेसिकली UP के कैंडिडेट्स या फिर अगर आप अदर स्टेट के भी हैं तो इस कॉलेज को प्रेफर कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा कैंपस है, बहुत अच्छी यहाँ पे फैसिलिटी भी है, फैकल्टी भी है। MC कोलकाता, मेडिकल कॉलेज कोलकाता, बहुत ही प्यारा कॉलेज है। इस बार NEET PG का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा इसका आया था, इस कॉलेज का, और हालांकि उसमें मेहनत होती है बच्चों की, मेहनत बच्चों की होती है, लेकिन कॉलेज का भी योगदान होता है उसमें। कॉलेज की चाहे क्लिनिकल हुआ, चाहे प्रैक्टिस हुई, चाहे फिर टीचिंग फैकल्टी हुई, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो बहुत ही प्यारा कॉलेज है MC कोलकाता। इसके अलावा नंबर फिफ्थ, ये रैंकिंग वाइज नहीं है लेकिन मैं कॉलेजेस बता दे रहा हूँ कि अगर आप मिलते हैं ये कॉलेजेस तो आप इनको प्रेफर कर सकते हैं। SMS मेडिकल कॉलेज, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, SMS जयपुर, बहुत ही प्यारा कॉलेज है, हालांकि इसकी रैंकिंग थोड़ी कम हुई है। इसके अलावा बात करें तो GMC कोझिकोड़े, अगर आप साउथ में जाना चाहते हैं या साउथ से हैं तो GMC कोझिकोड़े बहुत ही प्यारा कॉलेज है। सेवन्थ की बात करें अगर हम, तो ये भी साउथ का ही कॉलेज है, GMC तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम,
ये भी बहुत ही प्यारा कॉलेज है। एट्थ नंबर हमारा जो कॉलेज आता है वो आता है साउथ का MMC चेन्नई, मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई, तमिलनाडु का कॉलेज है और बहुत ही प्यारा कॉलेज है ये भी। इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकोट, बहुत ही प्यारा कॉलेज है और इसकी डिमांड भी अच्छी खासी रहती है ऑल इंडिया कोटा में। इसके अलावा मुंबई के दो कॉलेजेस हैं जो बहुत ही बेहतरीन कॉलेजेस हैं, जिसमें कि ग्रांट मेडिकल कॉलेज एंड सर जे जे हॉस्पिटल, बहुत ही प्यारा कॉलेज है, बहुत ही प्यारा कॉलेज है मुंबई का। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो TNMC, टोपी वाला नेशनल मेडिकल कॉलेज मुंबई, बहुत ही प्यारा कॉलेज ये भी है। इसके अलावा कुछ और कॉलेजेस की बात करें दोस्तों, जो कि टॉप प्रियोरिटी में आपके होंगे, मीन्स अगर आपको ये सारे कॉलेज मिलते हैं तो आँख बंद कर ले लीजिए और इसमें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। IGMC शिमला, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला, बहुत ही प्यारा कॉलेज है, इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है और आपको यहाँ पे हर चीज़ अच्छी मिलेगी। BMC बेंगलोर, बेंगलोर मेडिकल कॉलेज बेंगलोर, बहुत ही प्यारा लोकेशन है और यहाँ की अच्छी खासी डिमांड भी रहती है कॉलेज की। इसके अलावा BD शर्मा, पंडित BD शर्मा रोहतक, PGI रोहतक है बेसिकली, बहुत ही प्यारा कॉलेज है। हालांकि हरियाणा के कैंडिडेट्स थोड़ा इस कॉलेज से डर रहे हैं, डर इसलिए रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा बॉन्ड वॉन्ड का चक्कर है। BGMC पुणे, अगर आप महाराष्ट्र रीजन में जाना चाहते हैं तो ये भी बहुत ही प्यारा कॉलेज है। लास्ट टाइम क्या हुआ था, एक बच्चे ने एम्स न्यू दिल्ली को छोड़ के BGMC पुणे को लिया था, ठीक है। तो मैटर करता है कि आपकी चॉइस क्या है, ये मैटर नहीं करता है कि कॉलेज कौन सा आप प्रेफर कर रहे हैं। इसके अलावा साउथ में भी एक कॉलेज है GMC कोट्टायम, बहुत ही प्यारा कॉलेज है। तो ये सारे कॉलेजेस जो हैं दोस्तों, जो मैंने बताए हैं आपको, ये एक से बढ़कर एक कॉलेजेस हैं, एक से बढ़कर एक कॉलेजेस हैं। अगर आप ये सोचते कि नहीं ठीक है ये कॉलेजेस अच्छे हैं तो ठीक है, मीन्स अगर आप इसी पे स्टक कर जाते हैं, डू नॉट स्टक ओवर हियर, यहाँ पे स्टक नहीं करना है कि ठीक है AIQ में आपको ये मिला, तो ये सारे कॉलेजेस तो बेस्ट ही हैं, अगर आपको मिल जाते तो बढ़िया है। लेकिन उसके अलावा भी ये सारे जो कॉलेजेस मैंने बताए ना, ये सारे कॉलेजेस बहुत ही प्यारे कॉलेजेस हैं, मीन्स इनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है। तो केवल एम्स जिपमर के पीछे भागने की बजाय, देखिए सबसे पहले तो स्टेट कोटा में 50% स्टेट कोटा, अगर आप PG के पीछे भाग रहे हैं तो यहाँ पे 50% स्टेट कोटा आपको मिल जाएगा, तो थोड़ी सी सहूलियत आपको मिल जाएगी। लेकिन ये जो कॉलेजेस मैंने 14-15 कॉलेजेस बताए हैं, ये आपकी प्रायोरिटी में रहने चाहिए क्योंकि ये बहुत ही प्यारे कॉलेजेस हैं। अगर आपको किसी वजह से इधर के कॉलेजेस नहीं मिलते हैं, ये कॉलेजेस अगर अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप यहाँ पे ये कॉलेजेस प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि इनकी भी, अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं इनके बाद इनकी फीलिंग स्टार्ट होती है, ऐसा नहीं है, इन्हीं के साथ में इनकी भी फीलिंग स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि कैंडिडेट्स ये प्रेफर करते हैं कि हमारे स्टेट का कौन सा अच्छा कॉलेज है या फिर अदर स्टेट का कौन सा अच्छा कॉलेज है जिसको प्रेफर किया जा सके या जहाँ पे अच्छी फैसिलिटी फैकल्टी हमको मिल सके, तो ये भी एक प्रियोरिटी होती है, ये भी एक देखने की बात होती है। तो केवल कूदने से या केवल ये सोचने से कि ठीक है बढ़िया कॉलेज ले लिया जाए, कहीं पर भी ले लिया जाए, ये प्रियोरिटी नहीं होनी चाहिए। वरना लास्ट टाइम तो दो बच्चों ने एम्स न्यू दिल्ली को छोड़ा था, एक ने साउथ का ले लिया था जिपमर पुडुचेरी और एक ने ले लिया था BGMC पुणे। अब आप ये सोचेंगे BGMC पुणे कौन सा बढ़िया कॉलेज है, इससे अच्छा तो मुंबई का ग्रैंड मेडिकल कॉलेज है या सेठ GS है। तो ये अपनी अपनी चॉइस होती है, ऐसा नहीं है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो
आई होप कि ये कॉलेज की लिस्ट आपको ध्यान में रखेंगे जब आप काउंसलिंग पे जाएंगे तो। और ये अगर आप सोचते हैं कि बहुत आसानी से मिल जाएंगे कॉलेज, ये कॉलेजेस की भी रैंकिंग बहुत अच्छी है दोस्तों, बहुत अच्छा है। इसमें मार्क्स चाहिए आपको, अगर चाहिए ये कॉलेजेस तो।